अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना? वहाँ ऐसा क्या है आखिर? चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य है क्या? क्या वो धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे अलग है? इस रिपोर्ट में चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का ये हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज के किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो इसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए विक्रम लैंडर में बहुत ही एडवांस लेंस भी लगाए गए हैं। लैंडर किसने यंत्रों से लैस से ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिसने धरती से चांद की दूरी पाट दी, जो धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रमा के करीब पहुंच गया, वो विक्रम लैंडर चांद पर क्या क्या करने वाला है? इसरो ने उसे कौन कौन से काम सौंप कर चांद पर भेजा है? अपने काम को पूरा करने के लिए विक्रम लैंडर के पास ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं? बिना इसको जाने आप लैंडर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसरो ने विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पहले से ही एक सुरक्षित ठिकाने को तलाश रखा है। चांद की सतह पर मौजूद एक ऐसा ठिकाना जहां ना तो गड्ढे हैं और ना पहाड़ हैं। इसी के साथ वहां तापमान भी स्थिर रहने वाला है, यानी ना तो बहुत अधिक गर्मी और ना ही बहुत अधिक सर्दी। विक्रम लैंडर में अल्टीमीटर लगा है ताकि ऊंचाई का पता लग सके। इसमें वेलोसीमीटर लगा है ताकि लैंडिंग के वक्त लैंडर की सटीक रफ्तार की जानकारी रहे। इनर्शियल मैनेजमेंट सिस्टम लगा है ताकि लैंडिंग के वक्त संतुलन बना रहे। प्रोपल्शन सिस्टम लगा है ताकि लैंडर में लगे थ्रस्टरों पर कंट्रोल रहे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है साहस या वीरता। चंद्रयान 3 के लैंडर का जैसा नाम है ठीक वैसा ही काम है। विक्रम रोवर में राभा लगा है। राभा का पूरा नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, जो चांद की सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा। विक्रम लैंडर में चेस्टे लगा है। चेस्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये खास यंत्र चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह के तापमान को मापेगा। विक्रम के तीसरे खास यंत्र का नाम है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इल्सा चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंपों की जानकारी जुटाएगा। इस तरह चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रहस्य के 7 तालों में बंद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की अनबूझ पहेलियों को सुलझाने वाला है। तो भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर अपने निशान तो छोड़ने ही वाला है, उसके रहस्यों का पता लगाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाने वाला भी है।
प्रज्ञान रोवर में इसरो ने ऐसी क्या ताकत भरी है? प्रज्ञान आखिर क्यों अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले प्रज्ञान अपने खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल को उत्तेजित कर देगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। सवाल है, प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा, किन यंत्रों की मदद से करेगा? प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है, बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है।